हे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं हूँ आपके साथ अंकित चौधरी, डॉग लवर का ओनर। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोगों के पेट्स भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं ये छोटी सी वीडियो डॉग्स की हीट के ऊपर लेके आया हूँ। जैसे डॉग की हीट आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। मेरे दोस्तों, डॉग्स की हीट कभी कभी फर्स्ट हीट ऐसे आ जाती है अराउंड 6 मंथ से 8th मंथ तक, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो काफ़ी टाइम हो जाता है नहीं आती। तो फ्रेंड्स, वो अपन लोगों की गलती की वजह से नहीं आती है। प्लीज़ अपने डॉग्स का ध्यान रखें अच्छे से, तो ऐसा नहीं होगा। और हमेशा अपने डॉग्स को दूसरी हीट पे आने पर क्रॉस करवाएं। क्रॉस कराने का सही टाइम क्या है जिससे आपकी फीमेल 110% कंसीव होगी। फ्रेंड्स, इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए, उसकी दूसरी हीट का इंतज़ार करना चाहिए फ्रेंड्स। और दूसरी हीट आने के जस्ट बाद हमें टाइम नोट करना चाहिए फ्रेंड्स। टाइम नोट करने के बाद हमें उसको 11 से 14वें दिन ही क्रॉस कराना है फ्रेंड्स, जिससे कंसीडरेशन चांस, जो फीमेल कंसीव होगी उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। और हो सकता है आप फीमेल को क्रॉस कराने से 5 दिन पहले एक मल्टीविटामिन ईवो ऑन का कैप्सूल देना शुरू कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा, जिससे कंसीव के चांसेस बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। और मेरे कुछ दोस्त हैं, वो ये सोचते हैं कि हम डॉग्स को जितनी बार क्रॉस कराएंगे वो उतनी बार बच्चा देगा। मेरा एक फ्रेंड है, उनने क्या किया, 8 बार फीमेल क्रॉस कराई जिससे कि 8 बार बच्चे 8 बच्चे हों। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। उससे क्या हुआ, उससे डॉग्स, फीमेल डॉग्स की वेजाइना में दिक्कत आ गई फ्रेंड्स, और मेल डॉग के पेनिस में दिक्कत आ गई, जिससे उन्हें काफ़ी टाइम लगा रिकवर होने में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा ना करें आप सभी लोग। प्लीज़ डॉग्स का अपने का ध्यान रखें और बस उनकी दूसरी हीट आने पर ही क्रॉस कराएं, पहली हीट पर क्रॉस ना कराएं फ्रेंड्स। और 11 से 14वें दिन ही क्रॉस कराएं दोस्तों, जिससे कि 110% कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 2 मेटिंग इनफ हैं फ्रेंड्स, 2 से ज़्यादा। कई कई बार तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारी फीमेल या कोई और भी फीमेल एक बार में रिजल्ट दे देती है फ्रेंड्स, एक बार मेटिंग पर। लेकिन हाँ, फिर भी जो चला आ रहा है, जो लोग पहले से मानते हैं कि हाँ 2 बार क्रॉस कराने से बच्चा कंसीव कर लेगी हमारी फीमेल, तो फ्रेंड्स 2 बार ही क्रॉस कराएं। एक बार जैसे 11वें दिन करा ली तो आप दूसरी 13वें दिन कराइए, अगर 12वें दिन कराइए तो दूसरी बार 14वें दिन कराइए फ्रेंड्स। एक दिन का गैप जरूर रखिए। और जब आप आफ्टर मेटिंग फीमेल को डाइट क्या दें, आफ्टर मेटिंग फीमेल को आप सिर्फ दही, रोटी, चावल, ये 3 चीज़ दें और एक टाइम फीड दें। जितना खाना देते हैं, जैसे आप दिन में 4 बार खाना दे रहे हैं तो उसे 2 से 3 बार रखें फ्रेंड्स। ऐसा आपको 30 से 35 दिन तक करना है, 30 to 35 days करना है फ्रेंड्स, जिसके बाद आपको अपनी फीमेल की डाइट बढ़ा देनी है। अगर आप अपने पप्स हैवी चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप प्रो प्लान या सुपर कोट, कुछ भी ऐसा जो कि वो प्रो पैक होते हैं, पावर पैक होते हैं, वो दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपके पप्स हैवी होंगे। आप फ्रेंड्स 30 से 35 दिन के बाद उसकी डाइट बढ़ा सकते हैं। डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटीन रखिए जब तक वो कंसीव नहीं कर देती। और सर, आप पहले जो 30 दिन है मेटिंग कराने के जस्ट बाद, उसे कोई भी चीज़ गर्म ना दें फ्रेंड्स। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं हूँ आपके साथ अंकित। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।
Thank you.